हेलो दोस्तों, मैं हूँ सपना। सपना टेलर में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कोट कॉलर। इसकी मैं आपको कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बताऊंगी। मैंने ये डायमीटर कपड़ा लिया है, फुल, क्योंकि फुल लेंथ है इस वजह से। ये मैंने हिप्स के साइज के हिसाब से इसको फोल्ड कर दिया है। अब हम कपड़े को सीधा करते हैं। चलिए हम कुर्ती की कटिंग की शुरुआत करते हैं। इस तरह से मैंने कपड़े को सीधा कर लिया है। ये देखिए, मैं 13.5 दामन रखूंगी, तो मैंने उसी हिसाब से उसको लिया था। सबसे पहले हम लेंथ लेंगे, ये आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। लंबाई आप अपने हिसाब से रखिएगा, बाकी के नाप मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने यहाँ से 7.5 लिया है, 14 इंची पे कमर का निशान और 22.5 हिप्स का निशान। अब यहाँ पर मैं इसका हाफ कर देती हूँ। ये देखिए, 20 इंची का मैंने 10 इंची हाफ किया है। हमारी कमर है 17 इंची, तो मैंने उसका 1/2 इंची का निशान लगाया है 8.5। और ये हमारा हिप्स है 22 इंची, तो मैंने इसका 11 इंची पर निशान लगाया है 17 22। हम इन तीनों को निशानों को इस तरीके से सीधा मिला देते हैं। हमारी जो बहनें कोट कॉलर बनाना पसंद करती हैं, वो इस वीडियो से बहुत ही आसानी से कोट कॉलर बना सकती हैं, अपनी कुर्ती पर अपना शौक पूरा कर सकती हैं। ये मैंने शोल्डर इसका 8 लिया है, 8 इंची हमारा तीरा है, तो मैंने 8 ही इंची लिया है इसका। सॉरी फ्रेंड, तीरा हमारा 16 इंची है, तो मैंने उसका हाफ लिया है, यानी कि 8 इंची। ये हमारा आर्मोल्स का निशान है, 1/2 इंची मैं अंदर की साइड इसको ले लेती हूँ। ये मैं बैक साइड का शेप देते हुए, आर्मोल का शेप देते हुए मैं पीछे का हिस्से का निशान लगा देती हूँ, और लगभग 2 इंची का मार्जिन रखते हुए मैं इस तरह से निशान लगा लेती हूँ। आप चाहें तो इसको सामने से खुला भी बना सकते हैं। कमेंट्स कीजिएगा, मुझे बताइएगा आप किस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं, मैं आपके हिसाब से भी बनाऊंगी। मैंने आपको इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से कोट कॉलर की कटिंग एंड स्टिचिंग बताई है। अगर आप इसके शौकीन हैं तो ज़रूर देखिएगा, बनाइएगा। ये मैंने नीचे से सिलाई लगानी है, इसलिए मैंने इसको 1.5 इंची ही फोल्ड किया है। ये देखिए, अगर आप नीचे से तुरपाई पहनना पसंद करते हो तो आप इसकी बढ़ा भी सकते हैं। मैंने थोड़ा सा ए लाइन में रखा है, इसलिए मैंने इसको नीचे से स्टिचिंग ही करूँगी मैं। ये हमारा जो मार्जिन था, वहाँ से कैंची चलाते हुए मैंने कट कर दिया है, और ये मेरा हिप्स पे मैंने एक निशान लगा लिया है। ये देखिए, इस तरह से हमारे नीचे के हिस्से की, कुर्ते के नीचे के हिस्से की सिलाई तैयार, कटिंग तैयार। ये हम इस तरह से, ये मैंने आर्मोल की कटिंग कर ली है। अब ये पीछे ऊपर का हिस्सा हमारा जॉइंट है, इसलिए मैं इसको आगे ऊपर नीचे का हिस्सा दोनों कट कर देती हूँ। हमारे तीरे की कटिंग इसमें अलग अलग होती है, इसलिए मैंने इस तरीके से इस कपड़े को रखा था। और अब मैं इसको कैसे मिलाती हूँ ये मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने 1 इंच ऊपर बढ़ाते हुए इसको सीधा कर देना है। ये हमारा बैक साइड का हिस्सा है। ये देखिए, 2.5 इंची मैंने गले की साइड कम करते हुए शोल्डर को 1/4 इंची नीचे की साइड गिरा दिया है। ये देखिए, इस तरह से मैंने 1/2 इंची गले के साइड भी सेप दे दिया है।
ये हमारे पीछे के हिस्से की कटिंग तैयार हो गई है। अब मैं बताती हूँ आपको सामने वाला पार्ट। ये इसको भी मैंने आधा इंची कम कर दिया है और ढाई इंची गले की साइड से तिरछा रखते हुए इस तरीके से डॉट्स का निशान लगा देना है और वहीं से कैंची से की सहायता से इसको एक सा कर देना है। आप इस तरीके से कोई भी कॉलर वाला सूट बनाएंगे, आपकी कॉलर परफेक्ट गले पर बैठेगी। ये हमारा आगे का हिस्सा तैयार। अब मैंने जो आधा इंची अंदर की साइड लिया था इसको मैं अंदर की साइड कर देती हूँ। अब मैंने जो अंदर की साइड आधा इंच कम किया था वहीं से शेप देते हुए ये देखिए इस तरह से गहराई देते हुए मैं सामने वाले हिस्से में शेप दे देती हूँ। ये हमारे आगे और पीछे की दोनों कटिंग्स तैयार हैं। ये हमारा आर्म होल निकलता है यहाँ से 8.5 इंची। 8.5 इंची हम आस्तीन में भी आर्म होल का नाप रखेंगे। ये देखिए ये हमारी कोट कॉलर के लिए गले की इस तरह से कटिंग होती है। अब हम आस्तीन के लिए लेते हैं। कोट कॉलर पर फुल आस्तीन ही अच्छी लगती है, इसलिए मैंने आस्तीन की लंबाई 20 इंची रखी है। इस तरह से कपड़ा लगाते हुए ये देखिए 20 इंची हमारी आस्तीन के नाप हो गया और 2 इंची मैंने इसको बढ़ा कर लिया है। यहाँ से हम कपड़े आस्तीन की साइड से सीधा कर लेते हैं इसे। ये हमारे गोलाई हो गई। ये मैंने आस्तीन थोड़ी लंबी रखी है इसलिए फिटिंग के लिए थोड़ा अंदर की साइड से सिलाई लेंगे। हमने इसको ऊपर की साइड से 3 इंची कम करते हुए 8.5 जो कि हमारा आर्म होल था नीचे की साइड डाउन कर दिया है। यहाँ इस तरह से इसकी मैंने मार्जिन देते हुए 2 इंची का हम इसको कट कर लेते हैं। से आस्तीन की कटिंग इस तरह से ये हम 1 इंची का सेप आस्तीन के साइड से दे देंगे। ये मुझे थोड़ा सा और सेप देना है ऊपर की साइड से। ये मैंने नीचे की साइड से 3 इंची कम किया है। आप इस तरीके से 3 इंची ही कम करके कटिंग कीजिएगा। ये 1 इंची का मैंने आगे की साइड गहराई दी है। ये देखिए हमारे कॉलर वाले सूट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। इस तरह से हमारी आस्तीन भी यहाँ पर परफेक्ट बैठेगी। चलिए अब मशीन की साइड चलते हैं। ये मैं इस तरह से एक सा यहाँ से करते हुए मैं नीचे की साइड इसके फिटिंग का निशान ले लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों ही नाप ले लिए हैं। मैं आपको फिटिंग चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने निशान लिया था नीचे की साइड से। ये देखिए दोनों बटे मेरे दोनों का सेप मेरा 20 इंची पर आया है जो कि हमारा चेस्ट 20 इंची है। ये कमर का नाप हमारा 17 इंची है। 17 इंची भी देखिए परफेक्ट बैठा है। और यदि आपको निशान उठाते समय ऐसा लगे कि निशान आपका लूज हो रहा है उससे, तो आप जो निशान लिया है उससे अंदर
कटिंग के निशान उठाते हुए हम इस तरह से एक सर्कल, ये मैंने 1.5 इंच गले की गहराई ली है और 2.75 इंच इस तरह से मैंने 3.5 गहराई और 2.75 इंच फैला दिया है मैंने। ये इस तरह से मैंने, ये देखिए आप कटिंग करते समय ये विशेष ध्यान दीजिएगा, हमें गले की गोलाई नहीं लेना है, हमें इसको हल्का सा वी-शेप देना है ताकि हमारे गले पर ये परफेक्ट बैठे। ये मैंने थोड़ा सा वी-शेप दिया है, मैंने ये पकड़ ली है। चलिए मैं बकरम की चौड़ाई आपको बता देती हूँ। गहराई आप गले के हिसाब से ले सकते हैं। ये मैंने गले की गहराई काट दी है। ये देखिए इस तरह से बकरम का पीस मैंने बनाकर तैयार किया है। 12 इंची मैंने नीचे की साइड लिया है। अब इस तरह से इसको जो गला हमने कट किया था उसी का निशान हमें लगा लेना है। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा रही हूँ, आप इस तरीके से कोट कॉलर बनाइएगा, आपका बिल्कुल परफेक्ट आएगा। मैंने यहाँ से 2.5 इंची मार्जिन देते हुए, ये देखिए मैंने इस तरीके से शेप दे दिया है इसका। ये 2 इंच का मैंने गले का जो निशान दिया है, अब इस बाहरी हिस्से को कट कर देती हूँ। यहाँ से गला कट कर देंगे हमने, जो पीस निकाला था उसी के साइज से। ये मैंने इसको चिपका लिया है, देखिए इस तरीके से गले को चिपकाते हुए हमें फूट की सिलाई से बकरम को इस तरह से दबा देंगे। मैंने कपड़े पर एक बूट की सिलाई ली है, उससे मैं तीनों साइड इस तरह से कवर कर देती हूँ। मैं आपको बहुत ही इजीली तरीके से बता रही हूँ, आप एक बार बनाइएगा। अगर आप कोट कॉलर के शौकीन हैं, कॉलर वाला सूट आपका इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। ये देखिए मैंने तीनों साइड सिलाई लगा ली है। मैं गले के भी किनारे से लगा लेती ताकि हमारा जो बकरम का पीस है वो गले पर चिपक जाए। ये हम इस तरह से रख मिलाते हुए और इसके गले की कटिंग कर देते हैं। और नाखून की मदद से मैंने इस पे स्क्रेच बना लिया है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, 2 इंची पर मैंने इसका निशान लगाया है और एक बूट का कट कर दिया है मैंने। इस तरह से जो हमने सामने वाला हिस्सा कटिंग किया था गले का, उस पर हम इसको यहाँ पर बीच सेंटर से मिलाते हुए जो मैंने एक बूट का कट लगाया है वहां से सिलना शुरू करेंगे। और एक बूट की ही गहराई से हमें इस पर सिलाई लगानी है। ये देखिए मैंने 2 इंची से सिलाई लगाई है और 2 इंची पर ही इसको उतार दूंगी। इस सिलाई का हमें विशेष ध्यान देना है, ये आगे पीछे नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने इसमें 2 इंची की दूरी से कट लगा दिया था। अब हम इसका सेंटर मार्क लेते हैं। मैंने इसका सेंटर मार्क लिया है जो हमारा 11 इंची पर आ रहा है। इसी के 20 सेंटर से हम गले को भी इस तरीके से कुर्ते पर अटैच कर देंगे। ये मैं इसको 11 इंची की गहराई देंगे। मैं गला थोड़ा डीप कर रही हूँ ताकि अंदर हम टी शर्ट वगैरह या कुछ भी पहन सके, इसलिए मैंने इसकी गहराई 11 इंची दी है। अगर आप कॉलर किसी दूसरे कपड़े से लगाएं तो इसका गला 8 इंची भी रख सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं गले की गहराई।
ये देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ दो टाँके ही लिए हैं और जो मैंने बीच का निशान लगाया था उसके एक बूट की सिलाई से इस तरफ का मार्जिन दिया है और एक बूट का इस तरफ से। अब जो निशान लगाया था मैंने बीच सेंटर का, वहाँ से कट कर देती हूँ। ये देखिए मैंने इस तरह से कट कर दिया है। कट करते समय ध्यान रख लीजिएगा सिलाई के बाहर हमारा कट नहीं जाए। ये हमारी कॉलर है इसलिए मैं इस तरीके से इसको फोल्ड कर रही हूँ ताकि हमारा कोना बहुत ही फिनिशिंग से बाहर आए। ये देखिए हमारा कोना कितनी खूबसूरती से बाहर निकल के आया है। ये मैंने 2 इंच की सिलाई लगाई थी, ये मैं इसको यहाँ से बकरम पे दबाते हुए इसके किनारे किनारे सिलाई लगाती हूँ। ध्यान रखिएगा यहाँ से आपको मशीन बिल्कुल भी नहीं हटानी है, इसलिए मैंने ऊपर से ही स्टिचिंग करते हुए इसमें ये मैं इस तरीके से दूसरा कोना भी निकाल लेती हूँ। ये कोना हमारा थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है इसलिए मैं इसको सुई से बाहर करूँगी। ये देखिए इस तरह से मैं हमारे दोनों कॉर्नर फिनिशिंग के साथ बाहर निकालना है हमें। ये हम इसकी एक बूट की दूरी से इस तरह से सिलाई करते हुए बाहर जाएंगे। मैंने सिलाई सिर्फ एक बूट एक पैर की ही लगा रही हूँ इसलिए आप भी लगाइएगा। इस तरह से सिलाई करते हुए हम इसको बाहर निकल जाएंगे। ये देखिए मैंने गले का जो 2 इंची सिलाई अंदर की थी वो भी हमारा सेप निकल के आ गया और गला भी स्टिचिंग हो गया। ये देखिए दोनों नाक बिल्कुल बराबर आए हैं हमारे। अब हम इस पर बैक साइड का हिस्सा अटैच करते हैं। अब हम इस पर जितना भी आप कंधे का दबाव रखते हो उसी हिसाब से इस तरह से सिलाई लगा लीजिए। हमने शोल्डर को थोड़ा सा डाउन किया था और बकरम हमारे सीधी है इसलिए वो थोड़ी सी बाहर आ रही है। आप इसको भी कट कर दीजिए, मैं स्टिचिंग करने के बाद ही करूँगी। ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों कंधे जॉइंट कर दिए हैं। ये जो बकरम का पीस बाहर था मैं इसको भी फिनिशिंग के साथ कट कर देती हूँ। अब हम इन दोनों को फिर से एक सा करते हुए हमें जो बैक साइड की गहराई देनी होती है फ्रंट वो हमें 1.25 इंच ही देनी होती है, इसलिए मैंने हल्का सा पहले कर दिया था और ये अभी करते हुए मैं इसके पीछे की साइड से ये देखिए इस तरह से मैंने कंधे मिला दिए हैं। अब मैं इसकी गले की पट्टी पर भी किनारे किनारे सिलाई करते हुए दोनों शोल्डर पर डबल स्टिचिंग कर देती हूँ। इस तरह से हमारा ये पीस तैयार हुआ है। हमारी जो बहनें कोट कॉलर पहनना पसंद करती हूँ वो इस तरीके से कॉलर बनाएंगी तो कोई भी दिक्कत का सामना उन्हें नहीं करना पड़ेगा। फिनिशिंग के साथ आपकी कॉलर तैयार होगी। अब हमने जो 2 इंची की दूरी से जो कट की अंदर की साइड सिलाई ली थी वहीं से हम इस तरह से इंची टेप रखते हुए ये देखिए मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। इस तरह से हम इसके चारों साइड, याद रखिएगा अगर आपका हल्का सा भी बड़ा छोटा हो रहा है तो वो भी आपका नाप में ही कॉलर में आएगा ताकि कॉलर छोटी या बड़ी ना हो। मैंने ये बकरम का पीस लिया है, हम इसमें से आपको कॉलर की कटिंग बताऊंगी। ये मैंने इसको एक नाप बनाते हुए इसको फोल्ड कर लिया है इस तरह से। सब मिला लेते हैं। ये देखिए मैं यहाँ से
3 इंची लेती हूं। मैंने जॉइंट वाले हिस्से को 3 इंची लिया है और जहां से हमारा खुला रहेगा वहां से 2 इंची लिया है। ये देखिए 2.25 तक हमें बिल्कुल सीधा रखना है, उसके बाद हमें 2 इंची की साइड डाउन कर देना है इस तरह से। बहुत ही इजी है, इस तरह से शेप देते हुए अब हमें एक बार फिर से कॉलर को चेक कर लेना है ताकि कोई बाद में हमें लगाते समय कोई दिक्कत ना आए। ये देखिए मैंने कट के साइड से ही गले की साइड से इस तरह से नापते हुए मैंने गले पर सिलाई लगा दी है ताकि हमारा नाप बिल्कुल परफेक्ट बैठे। सीधा कर देते हैं और नाप की जो हमारी सिलाई थी वहां से सीधा निशान लगाते हुए इस तरह से हम कॉलर की कटिंग कंप्लीट करते हैं। अब हम इसको एक से काट लिया है, थोड़ा सा बड़ा था ये मैंने कपड़ा लिया है, इस पर हमने जो कॉलर काटी है उसको इस तरीके से ये मैंने सेट कर लिया है और जहाँ से हमने पहले कॉलर के लिए कपड़ा निकाल लेते हैं ये मैंने एक बोट की सिलाई यहाँ की साइड से ले ली है, जहाँ से हमने शेप दिया था वहाँ की साइड से मैंने बकरम को एक बोट की सिलाई से दबा दिया है कपड़े पर। ये देखिए इस तरह से हमने इस पर सिलाई लगाई है। अब हम मार्जिन के लिए सिलाई कपड़ा छोड़ते हुए दूसरे कपड़े पर इसको कवर कर लेते हैं। अब हम इसके बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई लगाएंगे। याद रखिएगा हमें सिलाई को ना ही बकरम के ऊपर चढ़ाना है और ना ही बकरम से दूर ले जाना है, ये सिलाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट आनी चाहिए। ये मैं बकरम के नीचे नीचे से इस तरीके से मैंने तीनों साइड से सिलाई लगा ली है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को हटा देते हैं और इस साइड से हम दबाव के लिए कपड़ा छोड़ते हुए इस तरह से मैंने इसको कट कर दिया है। ये देखिए जैसे मैंने उसको गले की पट्टी से कॉर्नर निकाले थे इसी तरीके से यहाँ से भी हमें कॉर्नर बिल्कुल एक सा आना चाहिए हमारा। मैं आपको दोनों साइड से दिखाती हूँ। इस तरीके से अंदर का कपड़ा फोल्ड कर लीजिए, आपके कॉर्नर बिल्कुल परफेक्ट निकलेंगे। ये देखिए ये हमारा कॉर्नर बिल्कुल एक से बन गए हैं, दोनों साइड के कोने हमने मिला दिए हैं। अब हम कुर्ते के ऊपर इसको स्टिचिंग करेंगे तो ध्यान रखिएगा हमें ये सीधे की तरफ सीधी साइड ना रखते हुए हम इसको उल्टी साइड से स्टिचिंग करेंगे। यहाँ से हम गला रखते हुए इसको एक सा करते हुए एक बूट की सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए इस तरह से ये देखिए हमने कॉलर का नाप बिल्कुल सही मिलाया था, इसलिए हमारे दोनों साइड से कॉलर बिल्कुल सही एकदम सही बैठी है। यहाँ से हम एक सा कर देते हैं इसको। ये हमारे कॉलर
परफेक्ट आई है। अब हम इसको कॉलर को ऊपर की साइड पलटते हुए सीधी साइड से एक सिलाई लगा लेते हैं। याद रखिएगा, हमें अंदर की साइड से कॉलर गले पर अटैच करना है और सीधी साइड इसको पलटना है इस तरह से। अब इसके एकदम किनारे से सिलाई लगाते हुए ये देखिए इस तरीके से नौ कुर्ते पर इसको सीधी साइड से मिलाते हुए और सिलाई लगाते हुए ये हम गले की साइड आएंगे। ये हम गले की तरफ किनारे से सिलाई पहुंचाते हुए अब हम मशीन को ना हटाते हुए एक बूट की सिलाई कॉलर के किनारे से फिर से डाल देते हैं ताकि हमारी ये कॉलर देखने में भी अच्छी लगे। ये देखिए मैंने एक बूट की सिलाई तीनों साइड ली है। गले पर मैंने एक बूट की सिलाई आपसे पहले ही लगवा दी थी। ये इस तरह से ये हमारा इस तरीके से गला बनके तैयार होता है। अब हम इस कॉलर को इस तरह से पलटते हुए ये देखिए हमारा कोट कॉलर कितनी फिनिशिंग के साथ बनके रेडी हुआ है। अब यदि आप इसके अंदर टी शर्ट पहनना पसंद करते हो तो आप इसको ऐसा ही रहने दीजिए, बहुत खूबसूरत लगेगा क्योंकि मैंने 11 इंची पे कट दिया है इसका। और यदि आप टी शर्ट पहनना पसंद नहीं करते हैं तो आप जो भी लेगिंग्स पहनना पसंद करते हो उसी कलर का कपड़ा ऊपर की साइड ज्वाइन कर सकते हैं। हम इस तरह से इस पर रखते हुए मैंने जो कॉलर फोल्ड की थी वहां से निशान लगा लिया है। और गले की साइड रखते हुए हम इसको 7 इंची तो हमें कॉलर वाले में डीपनेस चाहिए पड़ती है, इसलिए मैंने 7 इंची पर निशान लगा लिया है। अगर यदि आप अंदर की साइड टी शर्ट पहनना पसंद नहीं करते हैं तो गले की जो गहराई मैंने 11 इंची ली थी उसको 8 इंची ही कर दीजिए। अब मैंने ये निशान लगाया था, इससे थोड़ी सी दूरी से मैं इस तरीके से ये देखिए फिनिशिंग के साथ कपड़ा दबाते हुए इस तरह से हम इसमें वी शेप में सिलाई लगा लेते हैं। ये हम इस तरह से इसके पीछे यहाँ से मजबूत कर दी है मैंने सिलाई। अब हम इसको अंदर की साइड फोल्ड करते हुए एक सिलाई एक बूट की सिलाई इस तरीके से लगा लेंगे दोनों साइड से और इस एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। मुझे तुरपाई करना है इस तरह से। ये हमारे कोट कॉलर बनके तैयार। यदि आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए कितना खूबसूरती से हमारा कॉलर वाला गला बनके तैयार हुआ है। प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने इसमें स्लिप्स को की गोलाई भी कम ज़्यादा करने के लिए ये एक स्टेप पट्टी इसके बीच में लगा दी है। इसमें एक हुक लगाएंगे हम और यहाँ पर 2 आई बना लेते हैं। हम अपने काम के हिसाब से इस आस्तीन की मोहरी को फिट या लूज कर सकते हैं। थैंक यू।